सरकार ने नई आबकारी नीति तो बना दी, लेकिन आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों पर जो मेहरबानी कर सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है, उसके लिए नीति आखिर कब बनेगी? दो ऐसे मामले हैं जिसमें विभाग की तरफ से केवल चिट्ठी ही चिट्ठी लिखी जा रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। देखिए इंदौर से संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। ये आलिशान बंगला देख रहे हैं आप, ये बंगला इंदौर के विजयनगर एरिया में बन रहा है और इसकी कीमत बताई जा रही है करीब 50 करोड़ रुपए। ये बंगला है शराब ठेकेदार रमेश राय और उनके दोनों बेटे मनीष और ऋषि राय का। जो शराब ठेकेदार 50 करोड़ का बंगला बनवा रहा है, आबकारी विभाग उससे 4 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि नहीं वसूल पा रहा। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। राय परिवार के सदस्य मनीष राय ने झाबुआ में साल 2020-21 के दौरान 13 करोड़ 78 लाख रुपए का ठेका लिया था। ठेका लिया लेकिन कुछ महीने बाद ही इसे छोड़ दिया। विभाग ने नए सिरे से ठेका दिया तो विभाग को 4 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब नुकसान की भरपाई के लिए मनीष राय पर वसूली निकाली गई। झाबुआ के जिला आबकारी अधिकारी शादाब सिद्दीकी ने एक पत्र लिखा, लेकिन कब? 2 साल बाद 2022 में। ये वो पत्र की कॉपी है। अब पत्र तो लिख दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर झाबुआ कलेक्टर ने इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा। कार्यालय कलेक्टर आबकारी जिला झाबुआ का पत्र कलेक्टर इंदौर को गया था। कलेक्टर इंदौर से इस कार्यालय को 12 जनवरी को ये पत्र प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उसमें मनीष राय की संपत्ति के विषय जानकारी मांगी थी। उस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को संपत्ति नगर निगम या वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त नगर निगम, कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण, इन सबको पत्र लिखे गए हैं। उन पत्रों का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, इसके लिए पुनः स्मरण पत्र जारी किए जा रहे हैं। यानी अभी संपत्ति की जांच ही हो रही है और इधर 50 करोड़ का बंगला बन रहा है। उधर मामले में दिलचस्प बात यह है कि मनीष राय 10 दिन पहले ही वसूली पर कोर्ट से स्टे लेकर आ चुके हैं। स्टे हुआ है तो सर अपन ने स्टे तो अभी एक हफ्ते पहले ले गए, इसके पहले 2020 से मामला है, तो अब तक वसूली के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए? नहीं, सभी प्रयास किए हैं। प्रयासों में क्या 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 होगा, क्योंकि उनकी और भी जिलों इस तरह ये आपको पूरी जानकारी इसके नहीं दे पाऊंगा टेलीफोन पे। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो अगर आप कार्यालय पर आकर संपर्क करें, यहां भी जानकारी मिल जाएगी। इधर दस सूत्र ने मनीष राय से भी बात की तो मनीष राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और बातचीत में कहा कि वो अकेले ठेकेदार नहीं है बल्कि पूरे एमपी के ठेकेदार हैं जिनसे वसूली होना बकाया है। नहीं तो इसमें खबर मत निकल, क्या मतलब जब स्टे है तो खबर क्या है, क्या मतलब है? हम ये लिख देंगे और ऐसा एक अपन अकेले ठेकेदार थोड़ी है, पूरे एमपी के ठेकेदार हैं ऐसे। अब दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2022 में रमेश राय के बेटे ऋषि के साथ 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी जिसकी शिकायत थाने में हुई थी। पुलिस ने 4 महीने में ही सारे आरोपियों को पकड़ लिया। यानी जब शराब ठेकेदार के साथ कुछ हो तो तत्काल सरकारी अमला सक्रिय होकर मदद करने दौड़ता है, जैसे ये दामाद है। लेकिन जब सरकारी राशि की वसूली की बात हो तो सिर्फ पत्राचार का खेल चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि जब गाय दुधारू होती है तो ना केवल उसका पूरा ख्याल रखा जाता है बल्कि उसकी लात भी सहन करनी पड़ती है। शराब ठेकेदारों का चाहे पुलिस हो या आबकारी विभाग ध्यान पूरा रखते हैं और उनकी लात भी खाते हैं, भले ही सरकारी खजाने की चपत लगती रहे। क्या फर्क पड़ता है? द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।